अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं AR नॉलेज। नाज़रीन इकराम, CAA और NRC के ख़िलाफ़ होने वाले मुजाहरे में जिसमें लाखों की तादाद में लोगों ने अपने अपने शहरों में इस बिल का खुलकर भरपूर अंदाज में विरोध किया है। हुकूमत ने आवाम की आवाज़ दबाने की भरपूर कोशिश की, मीडिया और पुलिस का सहारा लिया, मगर हिंदुस्तान के आवाम ने इसका पुरजोर तरीके से वायकाट किया और आज हिंदुस्तान के कोने कोने में इसके खिलाफ मुजाहरे किए जा रहे हैं। मोदी सरकार को अपने घुटनों पर झुकने के लिए मजबूर कर दिया है। CAA और NRC के खिलाफ एहतजाज का हुकूमत पर असर होना शुरू हो गया है। नाज़रीन, इस हवाले से चार अहम खबरें हम आपको बताने जा रहे हैं। पहली खबर यह है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह शाया किया है कि वजारत दाखिला ने मुजाहरीन से CAA में तरमीम के लिए मशवरा तलब किया है और उनसे राय मांगी है। और दूसरी बड़ी अहम खबर यह है कि BJP ने अपने ट्विटर अकाउंट से अपना ऑफिशियल ट्वीट डिलीट कर दिया है, जिसमें यह कहा गया था कि हमने पूरे मुल्क में NRC को लागू करेंगे, जिसमें बुद्ध, हिंदू और सिख को छोड़कर बाकी हर एक घुसपैठियों को बाहर करेंगे। नाज़रीन, ये ट्वीट BJP के ट्विटर अकाउंट से अब डिलीट किया जा चुका है। और तीसरी खबर ये निकल के आई है कि सरकार ने मजहबी रहनुमाओं से ये अपील की है कि वो मुसलमानों को समझाएं कि CAA का हिंदुस्तान के मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है, NRC का अभी ऐलान नहीं हुआ है, इसलिए गुमराही में ना आए और एहतजाज बंद कर दे। और नाज़रीन, चौथा काम BJP ने यह शुरू किया है कि अब वो समझाने की कोशिश कर रही है कि CAA और NRC में फ़र्क है, एक दूसरे से किसी का ताल्लुक नहीं है, NRC का अभी ऐलान नहीं हुआ है, जब भी होगा तो किसी की शहरियत ख़त्म नहीं की जाएगी और जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, इसे ही जमा कराना होगा और जिसके पास कुछ नहीं होगा उसकी भी शहरियत ख़त्म नहीं की जाएगी। इस बात को समझाने के लिए BJP ने 19 दिसंबर को उर्दू और हिंदी के अखबारात में इस खबर को शाया किया है और BJP के बड़े लीडर्स मीडिया का सहारा लेते हुए अब इस पर मुसलसल बोल रहे हैं। मगर दोस्तों, हमें इस जुमले वाली सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना है और हमें ये एहतजाज जारी रखना है जब तक ये सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती है। अल्लाह ताला तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।